This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Okay, start. See the Nifty making a new high. But still, this H3 MACD RSI is sustaining our signal line. Making a new high now. As we discuss these lines, now this will be the support level. This high will be the support level. 10,900, which is approximately equal to daily mid average. Which is also equal to, if you check the center point of monthly chart, this plus this close will come and this short average will come, and if you take the midpoint of this, it will be coming somewhere here, 10,900, somewhere here. So 10,900, because this line will be the, this point will be the support level. So I'll draw the line here. So in short, you can consider the, draw the line, horizontal line I will draw at this price. This line showing you that this is the price, 10,900, and somewhere this matching over here. When the price starts coming down, you will find, you will check this mid average also coming little down, correct? So approximately when it comes down, this will be the support level, correct? Somewhere here, and this is marked 10,929, that is 30. So this is marked support level. So you can consider the Nifty support level 10,920. This is a major support, daily mid average. The support level looks bullish, so you can have to buy only. There is no chance, there is no opportunity to short sell current scenario. So bullish, and hence we have to check buying opportunity. We have to check buying opportunity. Positional short sell looks risky. इंट्राडे हो सकता है, लेकिन पोजिशनल अभी मुझे लगता है थोड़ा रिस्की रहेगा. तो हम देखते हैं, तो हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो मतलब क्वार्टरली बुल है प्लस वीकली बुल, ऐसे स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं. और क्वार्टरली weak but not complete weak,
surplus got quickly oversold. ये हम शॉर्ट्स बाय के लिए सिलेक्ट करेंगे. इसमें इसमें एग्जांपल है, पहले वाले केस में एग्जांपल है गोदरेज इंडस्ट्रीज और दूसरे वाले के लिए एग्जांपल है MRPL एग्जांपल के तौर पे. अभी हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे. हम निफ्टी के बारे में हमने देखा है, निफ्टी में कहाँ पे भी ओवरबॉट सिनारियो है, रह के हुए भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट मंथ के बाद छोटा सा करेक्शन आ जाएगा, वो यहाँ तक आएगा, गिरना चालू किया था यहाँ तक आ जाएगा. लेकिन अभी के सिनारियो में हम ARS है ऊपर है, MACD ऊपर है, डेली में चार्ट है, वीकली का भी ऊपर है, ऐसे कंडीशन में हम शॉर्ट सेल करने नहीं जाएंगे. तो हम ढूंढते हैं स्टॉक्स बाय के लिए. मैंने एग्जांपल के तौर पे दो स्टॉक बताए हैं जो बुलिश है, एक तो गोदरेज इंडस्ट्रीज गोदरेज इंडस्ट्रीज क्वार्टरली पुल है, वीकली पुल है, मंथली भी पुल है. ये स्टॉक एक बुलिश की तरफ है. दूसरा UBL भी हमें बाय में लगता है. गोदरेज इंडस्ट्रीज वीकली का चार्ट लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन है. ये स्टॉक का और बाइंग में दूसरा जा रहा है MRPL. क्वार्टरली में बुल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉर्ट एवरेज अबाव मिड एवरेज है, भले यही वीकनेस है चलेगा, लेकिन ये ओवर सोल्ड में बाय बता रहा है. RSI 30 है, 30 के नीचे गया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, गैप भी ज़्यादा है शॉर्ट एवरेज और मिड एवरेज का, ये इसके बाय में बता रहा है. तो ये ऐसे स्टॉक्स को बाय करके रख सकते हैं. तो ऐसे स्टॉक्स मिड एवरेज तक आ जाएंगे. तो अभी और कौन से स्टॉक्स हैं वो देखते हैं. अगर गैप फॉर्मेशन बना के खड़ा रहेगा तो उसको अवॉइड करो ज़रा, जो जिसकी रैली हुई है वो ऐसे स्टॉक को अवॉइड होना चाहिए. सेंचुरी टेक्सटाइल भी है, ये BEL भी है, ये BEL भी अच्छा है डिलीवरी बॉय के लिए, BEL भी है. चौदह नीचे आ रहा है, इसको बाय मत करना क्योंकि करंट लेवल पे. सिप्ला भी अच्छा है, ये केस में जाता है, ऐसे करके हम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं. ओवरसोल्ड ने मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बुलिश वाला भी दिया है और
एक बाय के लिए अच्छा है, ऐसे हम स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बुलिश है, बुलिश में ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ओवरसोल्ड में है वो ज़्यादा मिल रहा है। एक चावे की सीड है बुलिश में, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी शॉर्ट एवरेज के पास, किधर से बाइक होना चाहिए वीकली के शॉर्ट एवरेज के पास। तो 5-600 के बाद ये अच्छा बाय है, ये हम बाय कर सकते हैं। मैं स्टॉक तो सिलेक्ट करके दिया है, कावेरी सीड 600 के आजू बाजू में कितना मिलता है, क्योंकि डेली में वीकनेस नहीं पकड़ा है। 600 या 590 वीकली के मीडिया शॉर्ट एवरेज है 590 के आजू बाजू में, लेकिन 500 में ही लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ऊपर में लेना पड़ेगा। बिल्कुल भूल जा रहा है अभी, जिसमें वीकली का मिड एवरेज जो स्टॉक ने टच किया है, जैसे वीकली का मिड एवरेज टच किया है और डेली में क्लोज देता रहेगा तो हमें छोड़ना है, डेली में क्लोज देते रहेगा तो ही छोड़ना है, बाकी नीचे में जाके बाय करना है। लेकिन क्वार्टरली बुल है, वीकली में समझो मिड एवरेज आया रहेगा, टच करके मिड एवरेज आया रहेगा और डेली में समझो क्लोज हो जाता है तो हमें समझना है कि इसका रिट्रेसमेंट करने जा रहे हैं। तो जो राइज बना है यहाँ से यहाँ तक जो राइज बना है उसका 50% रिट्रेसमेंट हो जाएगा, मतलब 490 के पास आ जाएगा। ये 490 के पास मतलब समझो ये डेली में क्लोज देता है, डेली में दो मिनट डेली का चार्ट में जाते हैं, डेली के चार्ट में शॉर्ट एवरेज के नीचे क्लोज हो जाता है, अभी तक हुआ नहीं है। ये क्लोज समझो, ये क्लोज जो है प्राइस वो डेली के शॉर्ट एवरेज के नीचे हो जाता है तो हमें छोड़ना है, और प्राइस अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल पे वापस ये 62% या 50% के रिट्रेसमेंट पे लेना है वापस। मतलब नहीं तो ये सब स्टॉक्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी अच्छे हैं, इसमें जा रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, दूसरा जा रहा है इसमें, और एक स्टॉक जा रहे हैं टॉरेंट फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और टॉरेंट फार्मा इसमें जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जिसमें बुलिशनेस है वही लेना, या ओवरसोल्ड में है वही लेना। ये ओवरसोल्ड में है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होने तो रिट्रेसमेंट पे बाय कर लेना, लेकिन ये 90 तक जाएगा। इसे स्टॉक से रिट्रेसमेंट पे बाय अच्छा रहेगा, 65 का जो में बाय अच्छा रहेगा, टारगेट 90 रहेगा, अभी बाय करते हैं तो 65 आ सकता है या 60 भी आ सकता है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। परसिस्टेंट सर, परसिस्टेंट बुलिश में है, होल्डिंग में है, दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। ओके हेलो, हेलो हेलो, मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स यस सर, मैक्स फाइनेंशियल फाइनेंशियल
होल्डिंग है अभी तक, क्योंकि ये मिड एवरेज के पास, ईयरली के शॉर्ट एवरेज के पास आया था। हाँ वो देना रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, थोड़ा रिट्रेस हो सकता है, 430 तक आ जाएगा, वापस जाएगा ऊपर। सर गारंटी नहीं है, लेकिन ओके सर गारंटी नहीं बता सकते, 430 आएगा, लेकिन 430 का सपोर्ट है। अच्छा ओके सर या और शल भूषण जो है वो 27 के ऊपर एक बार छोड़ देना चाहिए ना। भूषण स्टील वन मिनट, ट्वेंटी सेवन पे पार्शियल छोड़ो, क्योंकि ये मंथ खत्म हो रहा है ना। ओके तो मंथ के खत्म होने का तो मंथली के इस लेवल पे आ सकते हैं, 35 तक नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि इधर पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, हम देखते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इधर। सो मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट E6 तक भी जा सकता है, E30 तक जा सकता है। हाँ जा सकता है वीकली E30। ओके सो 27 के बाद डेली चार्ट देख के निकले। हाँ डेली चार्ट देख के निकले, ठीक है सर, थैंक यू। ओके वेलकम। और कुछ ट्रेनिंग सर, दिस अमित माथुर। हेलो, हाँ बोलो सर। मैंने इनफी लिया था, इनफी लिया था एंड आई सोल्ड इनफी, शुड आई टेक इट अप अगेन और शुड आई होल्ड ऑन टू इट? मेरे ख्याल से 1310 आ जाएगा, क्योंकि ओवरबॉट है ना अभी। ओके इसका टारगेट भी कंप्लीट हुआ है। हेलो हेलो, एनी क्वेश्चन?